नमस्कार। तो आज यहाँ पे हम जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जिंदल स्टील एंड पावर स्टॉक की बात की जाए तो पिछले 2 दिनों में स्टॉक के अंदर काफ़ी गिरावट देखने को मिले। एक मीन्स यहाँ पे आप देख सकते कि 531 पे स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है, जाने के 28 से 29 पॉइंट की गिरावट, 5% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिले। ओपन होते स्टॉक आज गैप डाउन से ओपन हुआ, 550 लेवल के नीचे ओपन हुआ और 550 लेवल का ही रेजिस्टेंस लेके स्टॉक में गिरावट देखने को मिले। तो 530 लेवल वैसे भी सपोर्टिव जोन है यहाँ पे स्टॉक के लिए, तो उसी लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। कल भी स्टॉक 530 के ऊपर ओपन होता है तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है 530 का और बाउंस बैक पुल बैक देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन से ओपन होता है तो स्टॉक में और गिरावट होने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि क्वार्टर के नंबर्स खास नजर नहीं आए तो यहाँ पे आप देख सकते कि जिंदल स्टील पावर स्टॉक के अंदर काफी गिरावट देखने को मिले। जैसे कि लास्ट यहाँ पे 1 मंथ की भी बात की जाए तो स्टॉक टोटली 6% डाउन है और लास्ट 5 डेज में देखा जाए तो 8% डाउन है। 580 के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा था स्टॉक, तो देख सकते कि पिछले 2 दिनों से स्टॉक के अंदर बेरिश मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिले। मार्केट कैप भी 53,000 करोड़ की है, पी रेशो भी देख सकते अच्छा खासा नजर आ रहा है। बात करते हैं चार्ट के ऊपर नजर डाल के तो देख सकते कि कल के दिन स्टॉक के अंदर यहाँ पे गिरावट हो चुकी थी 3% तक और आज 5%, कुल मिला के 18% तक गिरावट देखने को मिले है। तो देख सकते कि जिंदल स्टील एंड पावर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट प्लंजेस इन फिस्कल क्वार्टर 4, तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टम्बल्स, मीन्स तकरीबन यहाँ पे स्टॉक के अंदर यहाँ पे देख सकते कि एक अच्छा प्रॉफिट देखने को नहीं मिला, तो 530 लेवल को स्टॉक मेंटेन करता है तो फिर से पुल बैक देखने को मिल सकता है। 530 के ऊपर नीचे होता है तो 522 तक गिरावट देखने को मिल सकती है जिंदल स्टील एंड पावर के अंदर।